दिल्ली में रविवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ये शिष्टाचार भेंट थी। दोनों ने प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की है। आपको बता दें कि हिमाचल में हो रहे धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर शाह ने फीडबैक लिया और मुख्यमंत्री सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लौटेंगे, यानी कि आज वो लौटने वाले हैं। नड्डा के 3 दिवसीय प्रदेश दौरे के लिए बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई है। जयराम ठाकुर सोमवार को जेपी नड्डा के साथ श्री आनंदपुर साहिब और श्री नैना देवी पहुंचेंगे। श्री नैना देवी में पूजा अर्चना करने के बाद बिलासपुर में जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। उसके बाद मंडी और कुल्लू जिलों में भी जेपी नड्डा का स्वागत होगा। तो दुर्गा पूजा में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए परविंदर हमारे संवाददाता बिलासपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परविंदर, आपसे जानना चाहेंगे, आज बिलासपुर पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा भी और सीएम जयराम ठाकुर भी, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, पूरा दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल शीनम, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल आने का कार्यक्रम है जी, और उसको लेके भाजपा जो है बहुत ही जोरदार तौर पर उनका अभिनंदन करने की तैयारी कर रही है। बिलासपुर में जो लुगुनू मैदान है वहाँ पे करीब करीब 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो एक तरीके से इसको उत्सव का माहौल भाजपा द्वारा मनाया जा रहा है, क्योंकि खास बात ये है कि जेपी नड्डा इससे पहले कई बार बिलासपुर आए हैं और उनका घर बिलासपुर में है, लेकिन इस बार की जो बात है कि भाजपा के एक कार्यकारी अध्यक्ष पद पर पहुंचने के बाद, शायद हिमाचल के वे पहले एक ऐसा नेता है जो इस पद पर पहुंचे हैं, तो इसलिए उनका जो अभिनंदन है वो एक बहुत ही जोरदार तरीके से किया जा रहा है। एक नए पद के साथ नड्डा हिमाचल लौट रहे हैं, तो भाजपा के लोगों में उत्साह है। पूरी सरकार यहाँ पे आज मौजूद रहेगी, जितने भी इनके निगम हैं, बोर्ड हैं, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी यहाँ मौजूद रहेंगे और सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाने का यहाँ पे तैयारी की गई है। तो इसमें पूरे बिलासपुर शहर को जो है केसरिया जो झंडे हैं, भाजपा के जो झंडे हैं और झंडियां लगाई गई हैं, पूरे बिलासपुर शहर में भी स्वागत की तैयारी की गई है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है करीबन कितने बजे तक पहुंच सकते हैं जेपी नड्डा? जी, उनका जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले आनंदपुर साहब जाएंगे, 10:30 बजे उनके आनंदपुर साहब में पहुंचने की सूचना थी। उसके बाद वहां से नैना देवी जो मंदिर है वहां पे माथा टेकने उनका प्रोग्राम है और आनंदपुर साहब जो गुरुद्वारा है, और ये सारे कार्यक्रम निपटाने के बाद जेपी नड्डा बिलासपुर में करीब 2:30 बजे उनका यहाँ पे बिलासपुर में हेलीकॉप्टर लैंड करने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परविंदर शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो करीबन 20,000 लोगों के आने की संभावना है और जेपी नड्डा के साथ सीएम जयराम ठाकुर भी वापस लौटेंगे।